हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीत डिजाइंस। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्यूटीफुल बैक नेक डिजाइन, जिसका फ्रंट नेक मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपने डिजाइन की अच्छी अच्छी पिक्स डालती रहती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बैक नेक बनाने के लिए मैंने ये बुकरम ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने ये कितनी चौड़ी और कितनी लंबी ली है। तो ऐसे लगभग 10.5-11 इंच ये मेरी बुकरम चौड़ी है और लंबी। अब मैं इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लूंगी इस तरीके से, यानी कि अब मेरे पास आ जाएगी लगभग 5.5 इंच। तो यानी कि ये 11 इंच चौड़ी है, ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद मेरे पास आ गई है 5.5 इंच। तो अब मैं लेंथ में दिखाती हूँ मैंने कितनी ली है। लेंथ में मैंने लगभग 10 इंच ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक ड्रॉ करेंगे। मेरा जो फ्रंट नेक है वो है 8 इंची ब्रॉड। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐसे 4 इंच पे निशान लगा लूंगी, क्योंकि ये बुकरम डबल फोल्ड करके है तो हमारे पास 8 इंच ब्रॉड आ जाएगा। तो अब मुझे यहां से ऊपर से लगभग 2.5 इंच लेना है इस तरीके से। अब हम इसके अंदर ही अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। यहां से भी मैंने 4 इंच पे मार्क कर लिया है। 2.5 और 4 इंच के बीच हमें नेक की मार्क करना है, उसके नीचे हमें आई कट देना है। तो ऐसे मेरे पास आ गया है। अब मैंने इसके नीचे देना है आई कट। तो आई कट मुझे ऊपर से चाहिए लगभग 7 इंच। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने 7 इंच लेते हुए यहां पे मार्क कर लेना है सीधा 7 इंच पे। तो अब मैंने यहां से मुझे आई ड्रॉ करनी है। वो कैसे हमने करनी है मैं हल्की सी आपको करके दिखाती हूं। सेम इसी शेप में हम करेंगे आई ड्रॉ। तो ये देखिए, नीचे से मैंने आई ड्रॉ कर लिया, ऊपर अब मुझे नेक ड्रॉ करना है। तो नेक ड्रॉ करने के लिए हम इसी शेप में तो ये देखिए, ये मेरे पास ऊपर का नेक हो गया और ये मेरे पास नीचे की आई होगी। यहां पे हम लगा देंगे एक लूप। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के लिए हमें लगभग 1.5-1.5 इंच बाहर से बुकरम चाहिए। हम इसको डबल मार्क करके कट कर देंगे। तो ऐसे हम पहले बाहर वाली मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे अपने नेक को। अब हम इसको बीच में से भी कट कर देंगे। तो ऐसे पहले हम ऊपर वाला नेक कट कर लिया है, अब हम आई कट को भी नीचे से इस तरीके से बीच में से कट कर देंगे। तो अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जो हमारा बैक नेक है इस शेप में आ जाएगा। तो ऐसे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, मैंने सिर्फ इससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा लिया है 1-1 इंच बाहर से। अब मैं पेस्टिंग के साथ इस पे पेस्ट कर लूंगी अपनी बुकरम को भी। तो इस तरीके से मैं इस पे पेस्टिंग कर दूंगी। तो ये जो पेस्टिंग होती है आयरन से इस तरीके से चिपक जाती है और ऐसे हमारा नेक भी नहीं हिलेगा और हम इसको अच्छे से पेस्टिंग कर देंगे। तो अब हम साथ साथ एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए थोड़ा सा तो इसको कट भी कर देंगे। तो ऐसे मैंने पेस्टिंग के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अपने नेक को चिपका लिया है, जो मैंने बुकरम का कट किया था। अब मैंने यहां से 1/2-1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर दिया है। मैंने सिर्फ फोल्डिंग के बराबर मार्जिन लिया है, जितना हमें इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो चलिए हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसको अपनी कुर्ती पे स्टिच करूंगी। तो ये मेरी कुर्ती है, इसका फ्रंट नेक मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। तो ये रेयॉन कॉटन की कुर्ती है और इस पे मैंने लाइनिंग को भी ऐसे स्टिच कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर अपना नेक स्टिच करने जा रही हूँ। तो बिल्कुल सेंटर लेते हुए हमें दोनों का, कुर्ती का भी और नेक का भी। तो सबसे पहले लगाएंगे रफ स्टिच, उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे।
तो फ्रंट नेक बनाते हुए भी मैंने आपको बताया था कि इसका तीरा मैंने 15 इंच लिया है क्योंकि ये 8 इंची ब्रॉड है हमारा ये नेक। तो चलिए अब हम यहाँ पे बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लेते हैं। तो अब हम बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक पे इसी तरीके से। अब नीचे आई कट की तरफ घुमाते हुए बिल्कुल इसके भी बीचों बीच सिलाई लगा लूँगी बुकरम के साथ साथ। तो ऐसे मैंने बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा ली। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक पॉइंट का गैप है। तो हमने जो अपनी रफ स्टिच ही कट करनी है, आप ध्यान में रखिए हमारी ये दोनों कोनों वाली सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो ऐसे मैं इसको बीच में से ट्रिम कर दूंगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। ऐसे ही मैंने सेम आई कट में भी सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर देना है साइडों से थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए इस तरीके से। तो बीच में से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर दिया। मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लूंगी। तो हमारे ये छोटे छोटे कट्स लग चुके हैं, अब मैं इसको पलट रही हूँ। तो यहां से हम किसी पिन के साथ अपना ये कोना बाहर की तरफ निकाल लेंगे। पलटने के बाद हमारे ये बैक नेक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम यहाँ पे एक लूप लगा देंगे, लेकिन लूप लगाने से पहले मैं यहाँ पे रफ स्टिच कर दूंगी हेमिंग के लिए। तो यहाँ पे हम हेमिंग कर देंगे नेक के अंदर वाली साइड। तो ये नेक जो है आप किसी पे भी बना सकते हो, ब्लाउज या कुर्ती किसी पे भी, बहुत ही इजी है और बना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे मैंने रफ स्टिच लगा लिया हेमिंग के लिए। अब मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूंगी। तो लूप हमें इस तरीके से बनाते हो डोरी का, उसी डोरी का मैं बना रही हूँ जो मैंने जिसका फ्रंट नेक बनाया था। तो अब मैं यहाँ पे रखते हुए, तो ऐसे हमने पक्की सिलाई से अपनी लूप को फिक्स कर लेना है कोने पे। तो ये देखिए ये लूप भी हमारी ऐसे स्टिच हो गई है और मैंने इसके ऊपर एक बटन लगा दिया है और पीछे से ऐसे आ जाएगी। तो बटन में टाई होने के बाद हमारा ये नेक बैक से ऐसे आ जाएगा। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारी कुर्ती पे ये बैक नेक। तो मैंने इसके फ्रंट नेक की भी वीडियो डाली हुई है, वो आप आई बटन प्रेस करके देख सकते हो वीडियो। तो ये होगी हमारी कुर्ती की फ्रंट और बैक नेक की फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीट डिज़ाइंस। थैंक यू।